हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एसईईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 2 अप्रैल 2022, क्रमांक संख्या 61। आज की वर्कशीट हमारी क्लास नर्सरी की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर टीचर का नाम। अगर आपको लिखना आता है तो अच्छी बात है बच्चों, नहीं तो घर में बड़े की सहायता ले लीजिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए देख लेते हैं क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हेलो किड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। पार्ट वन, कम लेट्स लिसन टू अ स्टोरी। गौरी मीट अ ग्रॉस ऑपर। चलिए बच्चों, एक कहानी सुनते हैं। गौरी जो ग्रॉस ऑपर से मिलने जाती है। गौरी इज अ लिटिल गर्ल। गौरी एक छोटी सी लड़की है, ये गौरी है। शी लव्स ईट ग्रैप्स एंड गुआवास। उसे अंगूर और गुआवा खाना पसंद है। गोगो द गोट, यानी गोगो एक बकरी है, ये देखिए, इज हर बेस्ट फ्रेंड, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। गोगो गौरी की बेस्ट फ्रेंड है। She finds Gunnu the grasshopper. उसने गुन्नू grasshopper को देखा। In the nearby garden, और पास वाले garden में गुन्नू the grasshopper को देखा। Gauri asked Gunnu, what are you doing here? गौरी ने गुन्नू से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। He says, I am very hungry. मैं बहुत भूखा हूँ। Then Gauri and Gogo bring a green grass for him. ये घास, Gauri और जो Gogo थे वो उनके लिए green घास लेकर आए। Gunnu eat green grass and thank both of them. और Gunnu ने green घास खाई और दोनों का शुक्रिया अदा किया। Then they all go home. और वे सब घर चले गए। तो मज़ेदार थी ना बच्चों ये कहानी। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। पार्ट टू, होप यू हैव इन्जॉय द स्टोरी। आशा करते हैं कि आपने ये कहानी मज़े लिए होंगे, आशा करते हैं कि आप ये कहानी को मज़े से सुना होगा, मज़े लिए होंगे। कम लेट्स रिकॉल इट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। चलिए इस कहानी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला है, What is the name of the little girl? तो जो छोटी लड़की थी उसका नाम क्या था? गौरी। और What does the she love to eat? उसे क्या खाना पसंद था? Grapes and guava. Where does she find Gunnu? In the garden. उसने गुन्नू को कहाँ देखा था? तो गार्डन में देखा था। What does Gunnu eat? गुन्नू क्या खाया? गुन्नू ने क्या खाया? तो ग्रास खाया, घास मतलब ही। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। कैन यू टेल मी द फर्स्ट साउंड ऑफ दिस वर्ड? राइट, द फर्स्ट साउंड इज जी। क्या आपने इसमें देखा कि पहला शब्द कौन सा आया है, किस शब्द का उच्चारण आया है बच्चों, किस अक्षर का? तो यहाँ पर जी का आया है। तो देख लेते हैं, जी फॉर गौरी, गर्ल, गोट, गार्डन, ग्रास, गोगो, गुन्नू, और यहाँ पे ग्रैप्स, गुआवा, और यहाँ और कुछ है ग्रीन, और कुछ है बच्चों देख लीजिए ध्यान से, ग्रॉस ऑपर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। पार्ट थ्री, कम लेट्स इनसर्कल द पिक्चर विच स्टार्ट फ्रॉम द साउंड ऑफ द लेटर जी। जी से शुरू होने वाले लेटर के पिक्चर पे हमें सर्कल करना है। तो चलिए करते हैं, जी फॉर गिटार, जी फॉर गिफ्ट, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गेट, जी फॉर ग्लव्स, जी फॉर गोल्ड। तो जी से गिटार, जी से गोल्ड, जी से ग्लव्स, जी से गेट, और जी फॉर गर्ल, जी फॉर गिफ्ट। तो ये सब जी से हैं बच्चों।
चलिए आगे देखते हैं पार्ट फोर. लेट्स मेक अ ग्रैप्स बाय पेस्टिंग पीनट्स सेल और थ्रो थंब प्रिंटिंग जस्ट लाइक आई डिड. यहाँ पे आपको पीनट्स, देखिए पीनट्स के जो छिलके होते हैं, पीनट्स के शेल होते हैं, जो मूंगफली हम खाते हैं उसके शेल से आपको ये ग्रैप्स ऐसे बनाना है, चिपका कर उस पर कलर करना है बच्चों. तो ये देखिए इस तरह से आप चिपका देंगे और इस पर कलर करेंगे, या आपने थंब प्रिंट से इस पर आप ऐसे प्रिंट भी कर सकते हैं. थंब प्रिंट की सहायता से आप इस पर इस तरह से आप अंगूठे का निशान देकर ग्रैप्स की पिक्चर कंप्लीट करेंगे. ठीक जैसा मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बनाया है. नोट, माता पिता कार्य करने में बच्चों की सहायता करें अभिभावकों के लिए सुझा रहे लेटर जी की आवाज़ की पहचान कराने के लिए लेटर जी से शुरू होने वाले शब्दों के नाम का अभ्यास बच्चों को कराया जा सकता है, जैसे गेम, ग्लोब और ग्लास एक्सेट्रा. आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के रखें. कोरोना को हराना है तो हमें 2 गज दूरी बनाना है. उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी. पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें. बाय बाय.